दोस्तों फायरबोल्ट की और एक नई स्मार्ट वॉच है ये फायरबोल्ट ग्रेनेड, जिसपे आपको रगिड डिज़ाइन और राउंड डायल कॉली वाली स्मार्ट वॉच मिलता है। गाइज ये आपको बहुत सारे वेरिएंट पे मिलेगा। मैंने इसका जो बेस वेरिएंट है इसको बाय किया था 2000 रुपये के लिए, लेकिन अगर इसके आप दूसरे वेरिएंट जिसपे आपको कैमो फिनिश मिलता है वो शायद आपको 2200 रुपीज़ में मिलेगा। और एक आपको मिल जाता है मेटेलिक चेन वाली स्ट्रैप के साथ, अगर उसको बाय करोगे तो वो आपको 2500 रुपीज़ तक मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बस स्ट्रैप में ही फर्क मिलता है, तो इसी वजह से मैंने इसका जो बेस ब्रांड बाय करके आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। अगर आपको ये स्मार्ट वॉच खरीदना होगा तो जरूर से मेरे लिंक से इसको बाय कर देना। और गाइस ये वीडियो में आपको मैं डिटेल रिव्यू देने वाला हूं कि ये स्मार्ट वॉच जो आप 2000 या फिर 2500 के लिए बाय करने वाले हो वो कितना और थे, तो जरूर से ये वीडियो को आखिर तक देखना। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगे तो दोस्तों जरूर से ये वीडियो को भी लाइक कर देना। चैनल पर नहीं होते दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ में वो बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा टाइम पे मिलता रहे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। तो यह बॉक्स पैकेजिंग इसी नई फायरबोल्ट ग्रेनेड की, और जैसे यहाँ पे मेंशनड है आउटडोर रगिड स्मार्ट वॉच है। और गाइस यहाँ पे आपको 1.39 इंच की एचडी लार्ज डिस्प्ले मिलेगा और 123 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर यहाँ पे डिटेली मेंशनड है, जिसके बारे में हम आगे डिटेली टेस्ट भी करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे आपको डार्फिड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ करना होगा ये स्मार्ट वॉच का कनेक्ट करने के लिए। बाकी जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करके आपको बताते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स क्या क्या मिलने वाला है। सो डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे पहले ये स्मार्ट वॉच का 1 साल की वारंटी को रजिस्टर करने के लिए आपको QR कोड देने को मिलेगा। जरूर से इसी QR कोड के मदद से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देना। ये स्मार्ट वॉच के एक यूजर मैनुअल मिलते हैं और हमेशा जैसे आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कार्ड देने को मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए इस तरह से आपको पोको पिन टाइप के चार्जिंग केबल मिलते हैं। और आखिर में ये स्मार्ट वॉच की बात करें तो दोस्तों जैसे आप इसकी डिजाइन देख सकते हो काफी बढ़िया सा रगिड डिजाइन है। यहाँ पर आपको पूरी मेटेलिक फ्रेम देने को मिलेगा। दोस्तों इसकी जो स्ट्रैप की क्वालिटी है ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। सिलिकॉन स्ट्रैप कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, पूरा स्पोर्टी लुक टाइप का आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैमो फिनिश में और एक आपको स्टेनलेस स्टील टाइप की आपको स्ट्रैप का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दो बटन मिलते हैं, ये जो ऊपर वाला बटन है ये लॉक ऑन लॉक और बैग के लिए काम करता है। और गाइस इस पर आपको कुछ इस तरह से डिजिटल क्राउन के फीचर्स मिलता है और ये फीचर ना मेनू में भी काम करता है जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो नीचे वाला बटन देखने को मिलता है इस पर आपको इसकी जो 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, जिस वजह से हल्के फुल्के पानी के छींटे गिरने से ये स्मार्ट वॉच को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी ये स्मार्ट वॉच की जो ब्राइटनेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है। इंडोर कंडीशन में तो काफी बढ़िया है, अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करोगे तो गाइस यहां पे आपको शेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी ब्राइटनेस आपको रियली काफी बढ़िया देने को मिल जाएगा। बाकी ये स्मार्ट वॉच की यूआई अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसको होल्ड करके रख के आप इसकी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। जैसे आप ऊपर से नीचे को स्वाइप करोगे यहां पे आपको सारी क्विक टॉगल्स देखने को मिल जाएगा, और नीचे से ऊपर करने में आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन, और राइट टू लेफ्ट करने पे आपको यहां पे सारा विजेट्स देखने को मिल जाएगा। और ये जो विजेट्स है ये एक्चुअली कस्टमाइजेबल है, आपको जो भी जरूरत है यहाँ पे आपको ऐड और यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए ऑप्शन देने को मिल जाता है। बाकी मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट टू राइट को स्वाइप करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पे आपको ऊपर वॉइस असिस्टेंट की शॉर्टकट देने को मिलेगा। ये स्मार्ट वॉच में आपको वॉइस असिस्टेंट की फीचर मिलता है, और रिसेंटली कोई एप्लीकेशन अगर यहाँ पे यूज किए होंगे तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। और एंड में आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिलता है इससे आप इसकी मेन्यू को एक्सेस कर पाओगे। गाइज इसकी मेन्यू व्यू की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको मेन्यू व्यू को चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्विक टॉगल वाली ऑप्शन में आपको बहुत सारे मेन्यू व्यूज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है इतने सारे मेन्यू व्यूज में से आप किसी को भी सेट कर पाओगे। ये स्मार्ट वॉच पे रेस्ट टू वेव वाली फीचर अच्छे से काम करता है, लेकिन हाथ को नीचे करने पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद नहीं होगा। गाइस यहाँ पे इसकी ऑटो लॉक की बात करें आपको 5 सेकंड से लेके अप टू 30 सेकंड की टाइम लिमिट मिलता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी डिस्प्ले बंद हो जाएगा। ये स्मार्ट वॉच के हेल्थ फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इस पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी फीचर्स देने को मिलेगा। SPO2 की डिटेल्स देने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको वेदर
अंदर की इन्फॉर्मेशन देने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा, और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको जो म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिस वजह से बड़े आसानी से आप गाना को प्ले या फिर पॉज कर पाओगे, आज जाओगे तो गाना को नेक्स्ट कर पाओगे, और आपको यहाँ पे प्रीवियस करने का ऑप्शन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल के ऑप्शन देने को नहीं मिलता है। और एक चीज है कि दोस्तों, जैसे ये स्मार्ट वॉच को आप अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर दोगे, तो गाइज ये जो स्मार्ट वॉच के स्पीकर से आपको सारा आवाज सुनाई देगा, जो कि आपको दिक्कत दे सकता है। और इस चीज को फिक्स करने के लिए आपको अपने ब्लूटूथ सेक्शन में जाना होगा, और यहाँ पे आपको ये जो फायरबोल्ट 137 देखने को मिलेगा, इसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन पे आपको मीडिया ऑडियो की ऑप्शन ऑन रहेगा, इसको जरूर से बंद कर देना, जिससे आपको ऐसी कोई दिक्कत देने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस पे आपको टाइमर और स्टॉपवॉच की ऑप्शन देने को मिलता है, और जो अलार्म का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अलार्म को इसी स्मार्ट वॉच से ही डायरेक्टली सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन पे डिपेंड करना नहीं होगा, जब भी चाहिए आप डायरेक्टली इसी स्मार्ट वॉच से अलार्म को सेट कर पाओगे। देन यहाँ पे आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग की फीचर देने को मिलता है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलेगा, और काफी बढ़िया यूजफुल फीचर दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच पे आपको कैलकुलेटर जैसी फीचर्स देने को मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है। रियल टाइम में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बस ये स्मार्ट वॉच पे आपको कोई भी गेम्स देने को नहीं मिलेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि सर्टन टाइम के बाद आप वो गेम नहीं खेलते अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो ओवरऑल जो भी फीचर दिया गया है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। और ये रहा वो डार्फिट एप्लीकेशन, फायरबोल्ट के ऑलमोस्ट सारे स्मार्ट वॉच इसी एप्लीकेशन से ही कनेक्ट होते हैं। इसमें आपको सबसे ऊपर स्टेप काउंट की डिटेल्स देने को मिलेगा, देन आपको स्लीप ट्रैकिंग डिटेल्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग के फीचर्स देने को मिलेगा। इसमें आपको इन ऑफ जीपीएस का ऑप्शन देने को मिल जाता है, और इसमें आपको एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट जाएंगे, अगर यहाँ पे वॉच की सेटिंग में देखेंगे, वॉच कनेक्टेड है या नहीं, कितना चार्ज है, ये आपको देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पे वॉच फेसेस की बात करें तो ये इसका कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस, जिसपे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। खुद का कोई फोटो यूज करना होगा वॉच फेसेस जैसा, तो दोस्तों ये भी आप कर पाओगे। और गाइस इसमें आपको एआई वॉच फेस का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे आप कोई भी बैकग्राउंड का फोटो लेके इसके जो कलर बेसिस पे बहुत सारे और भी वॉच फेसेस क्रिएट कर पाओगे, काफी बढ़िया फीचर है। और इसमें आपको ऑनलाइन बेस्ड और भी बहुत सारे वॉच फेसेस देने को मिल जाता है, आप इतने सारे वॉच फेसेस में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको फोन की मैसेज की नोटिफिकेशन को रिसीव करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं रहेगा, तो जरूर से इसको ऑन कर देना। बाकी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा, तो दोस्तों ये भी आपको ऑप्शन देने को मिल जाता है। देन आपको अलार्म सेटिंग देने को मिलता है, ये जो शटर की ऑप्शन मिलता है, जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपको कैमरा की यूआई ओपन हो जाएगा, और आपको वॉच पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, क्लिक करने पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर पाओगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये ई कार्ड के ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जिसपे आपको कोई भी क्यूआर कोड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रहेगा उसको आपको ऐड करके, अगर यहाँ पे आप चाहोगे तो इसी क्यूआर कोड को अपने स्मार्ट वॉच पे रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर टगल पे कुछ इस तरह से ई कार्ड का ऑप्शन आता है, जैसे आप देख सकते हो मैंने अपना जो इंस्टाग्राम आईडी का क्यूआर कोड को अपलोड किया था वो कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है। आप इसी को स्कैन करके हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है तो दोस्तों इस पे आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपने स्मार्ट वॉच पे सेव करने के लिए ऑप्शन मिलता है, और गाइस यहाँ पे आपको 8 कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेव करने के लिए ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट अदर सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देने को मिल जाएगा, जरूर से ये जो कंट्रोल फोन म्यूजिक का ऑप्शन है इसको ऑन कर देना, ताकि जो भी आप गाना अपने फोन में यूज कर रहे होगे उसका जो सॉन्ग का इन्फॉर्मेशन आपको स्मार्ट वॉच पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स देने को मिल जाता है, क्विक व्यू जैसे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, यहाँ पे आपको हाइजीन असिस्टेंट, हार्ट रेट वार्निंग, वेदर की इन्फॉर्मेशन, और गाइस यहाँ पे आपको फीमेल हेल्थ रिलेटेड सारी डिटेल्स देने को मिल जाता है। और आखिर में आपको प्रोफाइल डिटेल्स देने को मिल जाता है, जिसपे आपको गोल को सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, और ये गूगल फिट का ऑप्शन देने को मिल जाता है। मैं ये स्मार्ट वॉच के सेटिंग में चेक कर रहा था, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन और रिंग अलर्ट सेटिंग देने को मिल गया, जो कि काफी यूजफुल लगता है कोई भी कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच पे, जिसपे आपको वाइब्रेशन प्लस रिंग मोड या फिर सिर्फ आपको वाइब्रेशन मोड सेट करना होगा, ये ऑप्शन देने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे आपको एक म्यूट का ऑप्शन मिलता है, जिस वजह से दोस्तों कोई कॉल आने पे आपका ये स्मार्ट वॉच रिंग करेगा या फिर म्यूट पे रहेगा या फिर सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे रहेगा, ये सारी चीज आप सेट कर पाते हो। ये स्मार्ट वॉच पे कोई कॉल आने पे आपको फोन के साथ साथ ये स्मार्ट वॉच रिंग करता है, लेकिन जैसे ये साइलेंट बटन को प्रेस करते हो आपका स्मार्ट वॉच साइलेंट हो जाएगा, लेकिन फोन साइलेंट नहीं होता। बाकी यहाँ पे आपको कॉल को आंसर और रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप कॉल को आंसर करते हो
आपको कॉल को म्यूट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। आप चाहोगे तो इसी स्मार्ट वॉच से अपने फोन को स्विच कर पाओगे। बाबा स्मार्टफोन से अगर आपको स्मार्ट वॉच से स्विच करना होगा तो दोस्तों ये ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ आपको वॉल्यूम कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाता है और बात पूरा करने के बाद कुछ इस तरह से आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। और यह कॉल टेस्ट इसी 5 वोल्ट ग्रेनेड से, और दोस्तों इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि इसकी कॉल क्वालिटी आपको रियल टाइम में कैसे मिलने वाला है। दोस्तों ये स्मार्ट वॉच के सेंसर आपको हार्ड सरफेस में भी रीडिंग दे देते हैं। अगर इसको आप टेबल पर रखते हो तो उस टाइम में आपको फेक रीडिंग मिलने का चांसेस रहेगा। और दोस्तों इसकी जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करें, ये आपको थोड़ा बहुत सिमिलर देखने को मिलेगा और एसपीडी की रिजल्ट भी आपको सेम देने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आपको बता के दोस्तों, इस तरह से कोई भी बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच पे आपको ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। ये बस आपके रेफरेंस के लिए होता है। जरूर से प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करना अगर आपको हेल्थ इश्यूज है। बाकी स्मार्ट वॉच की बात करें, 2000 रुपीज के अगर इसको बाय करते हो, काफी बढ़िया स्मार्ट वॉच है। अगर आपको एक रगिड राउंड डायल कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच चाहिए था, काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो कैलकुलेटर वाली फीचर दिया गया है वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है। और खास करके इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा इसी प्राइस रेंज के अंदर। फायरबोल्ट के कुछ कुछ स्मार्ट वॉच ऐसे है जिनमें आपको कलर इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है। आप इसको आउटर कंडीशन में भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर आपको इस तरह से एक रगिड स्मार्ट वॉच चाहिए था जो कि आपको बजट में मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्शन पर रख सकते हो। अगर यहाँ पे इसको 2500 रुपीज के लिए कंसिडर करने वाले हो तो दोस्तों आपको बस यहाँ पे वो मेटालिक चेन के वजह से अगर लेना होगा तो आप ले सकते हो। लेकिन अभी के टाइम में बजट प्राइस पॉइंट में 2500 रुपीज में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसकी जो बेस्ट वेरियंट को बाय करना आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर इसको आपको खरीदना होगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी कोई कंपैरिजन देखना होगा तो दोस्तों उसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर से बताओ। और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों जरूर से ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको और कोई ऐसी नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।